गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको कक्षा सिक्स के का एक कहानी को पढ़ाऊंगी, जो जिसका नाम है दो कलाकार कहानी। मंडू भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मंडू भंडारी जी ने दो कलाकारों के जीवन के बारे में और उनके चरित्र के बारे में बताया है। इसमें दो कलाकार हैं, एक का नाम अरुणा और एक का नाम चित्रा है। चित्रा और अरुणा दो सहेलियां थी। दोनों पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर एक हॉस्टल में रहती थी। दोनों एक हॉस्टल के एक ही कमरे में साथ रहा करती थी। दोनों बहुत अच्छी मित्र थी। उनकी मित्रता को देख कर लोग ईर्ष्या करते थे। चित्रा एक अमीर परिवार की लड़की थी। उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, ना किसी साधनों की कमी थी। चित्रा एक चित्रकारी में प्रवीण थी। उसे चित्र करना बहुत पसंद था। वो हमेशा चित्रकारी में व्यस्त रहा करती थी। और चित्रा एकदम अलग थी अरुणा से। इसके ठीक विपरीत अरुणा एकदम साधारण परिवार की लड़की थी। वो मानवता एवं परोपकार में अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मूसलाधार बारिश होने लगी और मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ का आसार आने लगा, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ने लगी। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलों को कम करने के लिए समाज सेवी उनकी सहायता के लिए आने जाने लगे। उनको देखकर अरुणा भी उनके साथ चले गए। जब कुछ दिनों बाद अरुणा वहाँ से वापस आई तो चित्रा उसकी हालत को देखकर हैरान रह गई। अरुणा काफ़ी कमजोर हो गई थी। अरुणा के वापस आने के बाद चित्रा ने उसे अपने बनाए हुए तीन चित्र दिखाए। अरुणा को चित्र देख के हैरान रह गई। अरुणा को वो चित्र देख के वहाँ बाढ़ पीड़ितों के अंदर से याद आ गया। अब चित्रा को अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। वह अपने हॉस्टल से जिस दिन जा रही थी उसी दिन उसे अपने हॉस्टल के बाहर एक भिखारी की मौत को देखा। उस भिखारी के दो बच्चे थे। वो दोनों बच्चे उसके पास बैठ के रो रहे थे। चित्रा ने उसको देखकर फौरन उसका एक रफ स्केच बनाया और वहाँ से चली गई विदेश। उसके बाद उसी भिखारी के चित्र को बनाकर चित्रा ने देश विदेश में काफ़ी ख्याति, पैसा और नाम कमाया। अखबारों में भी उसकी खूब चर्चा हुई। कुछ दिनों बाद उसे दिल्ली प्रदर्शनी के लिए वापस बुलाया गया। चित्रा वापस दिल्ली गई प्रदर्शनी में। वहाँ पर उसे अरुणा वापस मिली। अरुणा के साथ इस बार दो बच्चे थे। चित्रा बार बार पूछ रही थी कि ये दो बच्चे किसके हैं। चित्रा के बार बार पूछने पर अरुणा ने बताया कि तुमने जो भिखारी का चित्र बनाया था और जो दो बच्चे उनके पास बैठ के रो रहे थे, ये वही दोनों बच्चे हैं। चित्रा की आंखों में आंसू आ गया और बोली कि ये असली कलाकार मैं नहीं, तुम हो। दूसरों के जीवन में सहायता करना असली कलाकारों का काम है। इस तरह कवि हमें बताते हैं कि केवल अपने जीवन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए। किसी के जीवन को बनाने वाले ही असली कलाकार होती है, ना कि सिर्फ अपने जीवन को बनाने वाले। चित्रा स्वार्थी थी। वह सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचती थी, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचती थी, जबकि इसके विपरीत अरुणा उससे बिल्कुल विपरीत दूसरों की सहायता करने वाली, त्याग परोपकार करने वाली, संवेदनशील लड़की थी। उसकी सोच और चित्रा की सोच बिल्कुल अलग थी। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो किसी की सहायता करे, त्याग करे, परोपकार करे, किसी को जरूरत पड़ने में उसकी मदद करे, न कि चित्रा की तरह बने कि स्वयं में रहे